दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के स्नातक प्रवेश प्रक्रिया में सातवें दिन शुक्रवार को भी प्रवेश कार्य जारी रहा। गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में सुबह 10 बजे से साय 5 बजे तक चली प्रवेश प्रक्रिया में कुल 328 अभ्यर्थियों ने आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हुए संबंधित कक्षाओं में प्रवेश प्राप्त किया। प्रवेश प्रक्रिया के तहत BCA में 6, BCOM में 141, BSc बायो में 60, BSc होम साइंस में 12 और BSc मैथ में कुल 109 अभ्यर्थियों ने प्रवेश लिया। आपको बताते चलें कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के संयुक्त स्नातक प्रवेश प्रक्रिया में चॉइस लॉक करने की तिथि 15 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। पहले इसकी अंतिम तिथि 13 जुलाई निर्धारित की गई थी। जिन विद्यार्थियों ने पहले केवल विश्वविद्यालय परिसर में ही प्रवेश के लिए चॉइस लॉक किया था और उन्हें परिसर में प्रवेश नहीं मिल पाया है, वो भी संबंध महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु चॉइस लॉक कर सकते हैं। वहीं जो अभ्यर्थी अपनी रुचि के चयनित कॉलेजों के क्रम में पुनर्व्यवस्थित करना चाहते हैं या उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो वह भी इस अवधि में फिर से चॉइस लॉक पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं। हो